भगवान शनि का नाम आते ही कई सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। हमें यह लगता है शनिदेव दुख दर्द के ही कारक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारे कर्मों के अनुसार हमें शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। अगर हमारी कुंडली में यह ग्रह अशांत है यानी कि अशुभ है, तो शनिदेव से बचने के लिए या शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनिवार का व्रत या शनिदेव की पूजा करते हैं। शनिदेव को धर्म न्याय का प्रतीक और सुख संपत्ति वैभव और मोक्ष देने वाला ग्रह माना गया है। यह धर्मराज होने की वजह से शनि पापी व्यक्तियों के लिए कष्टकारक होते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्तियों को शनिदेव यश धन पद प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए या शनि के दोषों से बचने के लिए कई लोग शनि मंदिर जाते हैं, शायद आप भी जाते होंगे। परंतु शास्त्रों के अनुसार शनि पूजा में कुछ सावधानियां होती हैं, क्या आप उसका पालन करते हैं? यह एक मुख्य विषय है, क्योंकि शनि के सुप्रभाव आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप शनि पूजा में कुछ सावधानियों का पालन करते हैं। आप जब भी शनि मंदिर जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको याद रखना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे शनिदेव कुपित हो जाते हैं और आपके जीवन में उस पूजा से आने वाले शुभ परिणाम नहीं बल्कि अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए आप अगर शनि मंदिर जाते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि शनिदेव की पूजा आपको किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमें शनि मंदिर में शनि की पूजा करते वक्त किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। पहली जो बात है, शनि की प्रतिमा के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है शनि मंदिर में भगवान शनि की प्रतिमा के आंखों में आंखें डालकर देर तक नहीं देखना चाहिए। आप दर्शन जरूर कीजिए लेकिन देर तक एक तक होकर शनि की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना चाहिए। आप पूजा कीजिए वह भी श्रद्धा भाव से निस्वार्थ मन से, लेकिन शनि की आंखों में आंखें डालकर आपको एक तक नहीं देखना है। दूसरी जो गलती जिससे आपको बचना है, शनि को तेल चढ़ाते वक्त सावधानियां। शनिदेव की प्रतिमा पर तेल जरूर चढ़ाना चाहिए, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तेल इधर उधर ना गिरे और जो तेल आप चढ़ा रहे हैं वह तेल खराब ना हो। आपको अच्छे तेल का उपयोग करना है। अगर आप छायादान कर रहे हैं तो उस तेल को आपको शनि भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है, उसे आप कटोरी समेत शनिदेव के चरणों में रख दें। तीसरी जो सावधानी है, शनिदेव की मूर्ति के एकदम सामने खड़े होकर कभी भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको इस बात का ख्याल रखना है जिस स्थान पर शनिदेव की मूर्ति स्थापित है उसके ठीक सामने खड़े होकर आपको शनिदेव की पूजा अर्चना नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा शनिदेव के सामने से एक तरफ होकर, चाहे आप इस साइड रहे या शनिदेव की प्रतिमा के उस साइड रहे, थोड़ा सा क्रॉस खड़ा होने के बाद ही आपको शनिदेव की पूजा अर्चना करनी है। चौथी जो सावधानी है, शनि मंदिर में जाकर गरीबों को दान जरूर करें। आप जब भी शनि मंदिर जाते हैं तो आपको शनि मंदिर के बाहर गरीब अपंग भिखारी जरूर मिल जाते होंगे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है पूजा के पश्चात आपको गरीब को यथा सामर्थ्य दान देना है। और वहां पर जितने भी गरीब हों, भिखारी हों या अपंग हों, उन सब के साथ अच्छा व्यवहार करना है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है, मंदिर में सांसारिक वार्ता ना करें। आप जब भी शनि मंदिर में जाते हैं तो वहां आपको किसी प्रकार की भी सांसारिक वार्ता करने से बचना है। आपको चुपचाप पूजा अर्चना करने के बाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मंदिर के परिसर से बाहर आकर ही अन्य किसी प्रकार की बात करें।
वैसे मान्यता यह भी है कि शनिदेव की जब भी आप पूजा अर्चना करने के लिए घर से मंदिर के लिए निकलते हैं तो आपको बिना किसी से बात किए हुए घर से निकलना चाहिए और पूजा के पश्चात भी घर आने तक किसी से वार्ता नहीं करनी चाहिए। और जो शनिदेव की पूजा का असली महत्व माना जाता है वह अंधेरे के समय माना जाता है, यानी कि आप संध्या के बाद जाएं या सूर्योदय से पहले जाएं। छठी जो महत्वपूर्ण बात है, दिशा का जरूर रखें ख्याल। शनि की पूजा में दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। शनि ग्रह को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है, इसलिए हमें शनि की पूजा करते समय इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर, इसलिए जहां पर शिला रूप में भगवान शनि विराजमान है आप वहीं पूजा करने जाएं। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है, लाल रंग से बचना है। शास्त्रों के अनुसार शनि लाल रंग को पसंद नहीं करते, इसलिए शनिवार की पूजा में आपको कभी भी लाल रंग के पुष्प का उपयोग नहीं करना है। तो यह सात महत्वपूर्ण सावधानियां थी जो हमें शनि मंदिर में भगवान शनि की पूजा करते समय ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक होती, तभी आपको शनिदेव की पूजा का सही परिणाम प्राप्त होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।